नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे राशिफल धाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि फल के बारे में कि यह दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बेहतर बना सके। दोस्तों, आपकी भी राशि तुला है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए आज का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आज आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, आज आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ति होने की प्रबल संभावना है। साथ ही अनुभवी और जिम्मेदारियों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। जीवन की बारीकियां पर गंभीरता से मूल्यांकन करेंगे तथा यह परिवर्तन आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। बच्चों से संबंधित चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको राहत महसूस होगी। आपकी कड़ी मेहनत और प्रयासों से कई महत्वपूर्ण रास्ता खुलने वाला है। साथ ही आर्थिक परेशानियों से कुछ हद तक निजात मिलेगी। यह समय अपने व्यक्तिगत दिन को व्यवस्थित रखें। दोस्तों, काफी समय से रुके हुए कार्यों में आज गति आएगी और आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां का निर्वाहन करने में सक्षम भी रहेंगे और दैनिक कार्य प्रणाली भी समान रूप से चलती रहेगी। दोस्तों, सामाजिक अथवा राजनीतिक मीटिंग में भी शामिल होने का अवसर मिल सकता है। कोई पारिवारिक यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है। किसी काम को पूरा हिम्मत व लगन से अंजाम देने से आपको बहुत ही अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। साथ ही साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। दिल की बजाय दिमाग से निर्णय लें, इससे आप अपनी कार्य प्रणाली को और अधिक बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, आज आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अब अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कामयाब भी रहेंगे। युवाओं को अपने करियर से संबंधित किए गए प्रयासों से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा। व्यस्तता के बावजूद आप अपने लिए और परिवार के लिए समय निकाल लेंगे तथा कुछ पारिवारिक महत्वपूर्ण फैसले लेने में भी आपका विशेष योगदान रहेगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय में जो काम सोच के रखे थे अब वह चालू कर दें, आपका अवश्य कार्य सफल होंगे और एक चमत्कारी के रूप में आगे भी बढ़ेंगे। दोस्तों, इस समय आपका गृह स्थिति उत्तम बनी हुई है। आर्थिक योजना से संबंधित कोई लाभ आसानी से भलीभूति होगा। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा तथा व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। घर के रखरखाव संबंधी योजना बन रही है तो वास्तु समस्त नियमों का भी पालन करना उचित रहेगा। अपने किसी खास हुनर को निखारने का प्रयास करें और आपकी प्रतिभा उभर कर लोगों के सामने भी आएगी। दोस्तों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर रहेगा। समय सुखनामा और मनोरंजन पूर्ण व्यतीत होगा। व्यस्तता भरी दिनचर्या की थकान भी दूर होगी तथा आपसी सलाह मशवरा बच्चों के लिए संबंधित किसी समस्या का भी निवारण होगा। दोस्तों, किसी भी तरह की दुविधा की स्थिति में परिवारजनों की सलाह लेना आपकी परेशानियों को हल करेगा। समय आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। चल रही उथल पुथल से भी राहत मिलेगी। दोस्तों, आपके नेगेटिव के बारे में बात करें तो दोस्तों, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें और अपने ही काम से मतलब रखें। किसी सार्वजनिक स्थल पर वाद विवाद होने जैसी स्थिति बन रही है। कुछ समय आत्म मनन और चिंतन में भी अवश्य लगाएं। घर के वारिस सदस्यों के मान सम्मान और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। रुपए पैसे के माल में किसी पर भी विश्वास न करें, कोई आपको धोखा भी दे सकता है। संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि की पता चलने से मन में खिन्न रहेगा, परंतु समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। दोस्तों, कुछ नई जिम्मेदारियां आने से व्यस्तता बढ़ेगी। इसमें कोई नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है, इसलिए हिसाब किताब संबंधी कार्यों को सावधानी से करें, बिना बात किसी से भी ना उलझें। कोई भी समस्या आने पर उसके निवारण के लिए उसकी तह तक जाना जरूरी है। दोस्तों, किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में अपना आपा न खोएं तथा उसका सामना शांतिपूर्ण तरीके से करें। गुस्से और आक्रोश की वजह से परिस्थितियां बिगड़ सकती है। दोस्तों, गुस्से बहुत शैतान चीज होते हैं। इसको जो यूज करते चलता है वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, गुस्से पर काबू करेंगे तो अवश्य आप आगे बढ़ेंगे और कोई भी समस्या को आपको झेलना नहीं पड़ेगा। युवा वर्ग अपने लक्ष्यों को आंख से ओझल न होने दें। नकारात्मक और व्यर्थ की गतिविधियों से दूर रहें।
दोस्तों भाइयों के साथ चल रहे मतभेद किसी वारिस सदस्य की मदद से सुलझाने का प्रयास करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। विद्यार्थी युवा वर्ग आजकल अपने लक्ष्यों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से इनके बनते कार्यों में रुकावटें आ सकती है। दोस्तों व्यवसाय में इस समय अपनी ऊर्जा और अपने जनसंपर्क को और अधिक विस्तृत करने में लगाएं, आपको कोई नई शुभ अवसर प्राप्त होंगे। मुश्किलों के बावजूद आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। आपका गृह स्थिति अनुकूल बनी हुई है, कार्य क्षेत्र में किए गए बदलाव के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, इसलिए पूरी मेहनत और एकाग्रता से अपने काम पर ध्यान दें। व्यवसाय संबंधी किसी भी तरह का लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों व्यवसाय संबंधी उलझना अभी बनी रहेगी, अनुभवी लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। नौकरी में कारोबार बढ़ाने की वजह से तनाव रहेगा, बेहतर होगा कि अपने कारोबार को दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करें। अब अपनी योग्यता और प्रतिभा कई फैसले लेने में समक्ष रहेंगे। इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों को स्थगित रखें, नौकरी में भी टारगेट हासिल करने की पूरी संभावना है। दोस्तों सरकारी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होगी, नए कार्य की शुरुआत करने के लिए भी समय अनुकूल है। कोई भी व्यावसायिक निर्णय लेने में लापरवाही न करें, अन्यथा कोई बेहतरीन उपलब्धि हाथ से निकल भी सकती है। दोस्तों कार्य क्षेत्र में इस समय बहुत मेहनत और व्यस्तता बनी रहेगी, साथ ही आपका प्रभाव और दबदबा बना रहेगा। अपनी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है। सरकारी सेवारत लोगों को ऑफिस संबंधी किसी बदलाव की सूचना मिल सकती है। व्यावसायिक परेशानियां दूर होगी, कार्य में गति आएगी। कर्मचारी तथा स्टाफ पूरे मनोयोग से कार्य को गति देंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात होगा और व्यावसायिक जानकारियां का आदान प्रदान भी रहेगा। वहीं बात करें तो लव लाइफ की, परिवार में सुखद और प्रेमपूर्ण माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध में गलत फहमी ना उपजने दें। दोस्तों दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंध में समय नष्ट न करके कार्य पर ध्यान दें। दोस्तों व्यक्तिगत गतिविधियों के साथ साथ विवाहित संबंधों में भी सामंजस्य बना रखना जरूरी है। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग करने का बेहतरीन समय मिलेगा। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोक झोंक रहेगी। युवाओं के प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, परंतु मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल पारिवारिक वातावरण को सुखद बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों को भी विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। दोस्तों आपके स्वास्थ्य को लेकर देखा जाए तो त्वचा संबंधी एलर्जी जैसी समस्या बढ़ सकती है। पॉल्यूशन और धूप से अपना बचाव रखें। वर्तमान मौसम की वजह से गले में इंफेक्शन और खांसी जुकाम की समस्या रह सकती है। लापरवाही बिल्कुल न बरतें और उचित इलाज लें। दोस्तों ज्यादा मेहनत और परिश्रम का असर स्वास्थ्य पर पड़ेगा। कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना जरूरी है। घर के किसी वारिस सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, उनके इलाज के लिए लापरवाही न करें। दोस्तों किसी बात को लेकर सिर दर्द और तनाव रहेगा, समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। साथ ही योगा और मेडिटेशन जैसी गतिविधियों पर ही ध्यान दें, आपके शरीर तंदुरुस्त और फिट रहेंगे। कभी कभी नकारात्मक विचार आपके मनोबल में कमी ला सकते हैं। उत्तम प्रवृत्ति के लोगों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें तथा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। दिनचर्या और व्यस्त खानपान की संबंधी गतिविधियों को व्यवस्थित रखें। चेष्टा बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। तो भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार के दिन चंदन, अक्षत, दूध, धतूरा, गंगाजल, बेलपत्र या आंकड़े का फूल चढ़ाएं। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को घी, शक्कर और गेहूं के आटे का भोग लगाएं। इसके बाद उनकी आरती करें। दोस्तों आपके घर में किसी के शादी नहीं लग रहे हो या कोई पुरानी दिक्कतें चल रहे हो तो दोस्तों आज नंदी बाबा को रोटी में गुड़ मिला के खिलाएं। इससे दोस्तों आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों आप बात करें तो आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग पीला है और भाग्यशाली अंक 8 है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।